हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने जो टॉपिक है वो है कि लैकलांसी सेल। क्यों अपने सेल के टाइप पढ़ रहे थे, तो दो तीन टाइप अपनों ने पढ़ लिए, तो आज अपना टॉपिक है लैकलांसी सेल। क्या टॉपिक है अपना? लैकलांसी सेल। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सेल है वो कौन से टाइप का है। ये जैसे सेल मैंने बताए थे आपको कि दो टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। तो पहली बात तो ये सेल है कौन सा, ये प्राइमरी टाइप का है, प्राथमिक सेल है ये। क्योंकि मैंने आपको बताए थे जैसे प्राथमिक सेल है उसमें डेनियल सेल, वोल्टिक सेल और ये लैकलांसी सेल, मर्करी सेल, ठीक है, तो ये सारे आते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्राथमिक सेल है। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे होता है। जैसे बाकी सेल अपने ने चर्चा की थी अपनों ने कि कैसे बने होते हैं, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो इसमें भी अपने क्या होता है कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये बना कैसे होता है। तो डैनियल और वोल्टिक सेल है उसमें क्या भरा होता है, गंधक का अम्ल भरा होता है। एक कांच एक पात्र में क्या भरा होता है, गंधक का अम्ल भरा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक कांच के पात्र में, एक कांच का बर्तन में, कांच के पात्र में गंधक का अम्ल नहीं भरा होता। इसमें जो भरा होता है वो गंधक का अम्ल नहीं होता, इसमें अमोनियम क्लोराइड का भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। और इस अमोनियम क्लोराइड जो होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है, जो अपने क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट का। क्योंकि आपने जो डैनियल सेल और वोल्टिक सेल पढ़े होंगे उनमें क्या देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने गंधक का अम्ल यूज़ करते थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसको अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में या केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि NH4Cl। तो NH4Cl का जब अपने यूज़ करते हैं तो उससे अपने क्या बनाते हैं, लैकलांसी सेल। अब ये बना कैसे होता है सबसे पहले वो बात करते हैं अपने। तो ये क्या होता है कि एक कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। और ये विलयन क्या करता है कि जो अपना कांच का बर्तन है उसमें अमोनियम क्लोराइड भर दिया, तो उसके अंदर एक छिद्रयुक्त बर्तन रखा जाता है, एक बेलनाकार छिद्रयुक्त बर्तन रखा जाता है। उस बर्तन के अंदर क्या भरा जाता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, क्या भरा जाता है, MnO2। और उस MnO2 के अंदर एक कार्बन की छड़ रखी जाती है, एक कार्बन की छड़ को उसमें लगाया जाता है, रखा जाता है। तो जब अपने कार्बन की छड़ उसमें लगाएंगे तो कार्बन क्या करता है कि एनोड की तरह व्यवहार करता है, जो कार्बन की छड़ है वो क्या करेगी, एनोड की तरह व्यवहार करेगी। तो एनोड तो अपने पास आ गया कार्बन की छड़, लेकिन जो पात्र है, जो स्टार्टिंग में अपनों ने कांच का पात्र लिया था, उस कांच के पात्र में जब अपने अमोनियम क्लोराइड भरा था तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अपने एक और रोड स्थापित करते हैं, जिसको अपने कहते हैं जस्ता, एक धातु आती है जस्ता, तो उस जस्ते की रोड अपने उसमें स्थापित करते हैं, उसमें लगाते हैं। तो जस्ते की रोड क्या करती है कि उसमें जो अपना नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कैथोड टर्मिनल, क्या बोलते हैं, कैथोड, तो वो कैथोड का काम करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था इसकी वर्किंग। तो अपने इसको डायग्राम के से देख लेते हैं थोड़ा कि इसका डायग्राम कैसे रहेगा, क्योंकि डायग्राम से हर एक चीज़ जल्दी समझ आती है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले अपने क्या लेंगे, एक कांच का पात्र, एक कांच का बेलनाकार पात्र। इसमें क्या किया अपनों, सबसे पहले एक छिद्रयुक्त पात्र इसके अंदर रख दिया। ये क्या है, छिद्रयुक्त पात्र। अब इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर क्या भरा होता है, MnO
टू, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि मैंगनीज डाई ऑक्साइड। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि एक कार्बन की छड़ स्थापित करते हैं या रखते हैं अपने, कार्बन की ये क्या है, कार्बन की छड़, ये क्या कहते हैं, कार्बन की छड़। अब ये कार्बन की छड़ क्या करती है कि ये पॉजिटिव की तरह व्यवहार करती है, एनोड की तरह। ये क्या करेगी, एनोड की तरह व्यवहार करती है, और एनोड आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा एनोड होता है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा होता है, तो इसको अपने क्या कहते हैं कि ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, NH4 और Cl, क्योंकि अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4, क्लोरीन का, क्लोराइड का Cl, NH4Cl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास। तो ये तो था इसका। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी अपनों ने फिल कर दिया, एनोड भी बना दिया। अब एक चीज़ रहेगी कि अपने सेल को यूज़ तभी लेंगे जब इसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल अपने लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव दो टर्मिनल चाहिए अपने को। अब नेगेटिव कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे एक रोड रखेंगे अपने, यहाँ पे एक रोड रखेंगे। अब ये रोड क्या है, ये क्या है, जस्ते की छड़ है, ये क्या है, जस्ते की छड़ है। अब जस्ते की छड़ है तो ये अपने पास पॉजिटिव, ये रहा, ये क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कि कैथोड, ये क्या होएगा, कैथोड होगा। तो जो अपने पास सेल है उसमें एनोड है अपने पास, कैथोड है अपने पास, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, NH4Cl, और इस जो छोटा पात्र है, छिद्रयुक्त पात्र है, इसमें क्या भरा होता है, MnO2। MnO2 की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। छिद्रयुक्त पात्र यारा, ये जो रोड होती है जो एनोड का काम करती है, क्या होती है, कार्बन की छड़। ये तो था इस सेल की बनावट है कि ये बना कैसे होता है, ठीक है, उसका डायग्राम है। अब अपने बात करते हैं कि जब इसमें जो ये इलेक्ट्रोलाइट भरा है, जो ये इलेक्ट्रोलाइट भरा है, तो आपने देखा होगा कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अपने, तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अब अपने पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी तो अपने आयन में टूटेगा, तो ये अपने आयन में टूटेगा तो क्या बनेगा, इधर अपने पास क्या है, NH4Cl। अब जब ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, अब तो इलेक्ट्रोलाइट अपने पास NH4Cl, NH4Cl किस में टूट जाएगा, NH4+Cl-। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशन है कि जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में टूट जाएगा, अपने अणुओं में विभक्त हो जाता है, और वो कैसे होगा कि NH4 पॉजिटिव और क्लोरीन माइनस, क्लोराइड जो है माइनस, Cl-। तो ये रासायनिक अभिक्रिया इस सेल के अंदर, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर होती रहती है। तो ये तो था उसकी रासायनिक अभिक्रिया, उसकी बनावट वगैरह। अब जैसे कुछ सेल है उसमें कुछ दोष भी आते हैं, जैसे वोल्टिक सेल में आपने पढ़ा होगा जिसको अपने बोलते हैं स्थानीय दोष और ध्रुवा छेदन, तो वैसे ही क्या इसमें भी दोष होते हैं। इसमें क्या दोष होते हैं कि इसमें भी सेम दो दोष होते हैं जो अपने वोल्टिक सेल में भी पढ़ चुके हैं, जो अपने वोल्टिक सेल में भी पढ़ चुके हैं, जैसे दोष। पहला क्या होगा इसमें, स्थानीय क्रिया, लोकल एक्शन, लोकल एक्शन। अब स्थानीय क्रिया क्या होता है कि स्थानीय क्रिया होता है कि जो अपनी जस्ते की जो रोड है अपने पास, जो नेगेटिव का काम करती है, उस पे क्या होता है
कि छोटे छोटे जब ये इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्रिया करती है, इस इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं अपने, तो इसमें इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या होता है कि छोटे छोटे खड्डे पड़ जाते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे खड्डे पड़ जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे खड्डे पड़ जाते हैं और उसमें क्या है, छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। कि एक तो ये खुद सेल है, एक इस रोड पे भी छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब इस पे छोटे छोटे सेल बनेंगे तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो इसकी वोल्टेज घट जाएगी। तो ये अपने को क्या है कि एक हानि है, एक नुकसान है। तो इससे बचाने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष का निवारण करने के लिए क्या होता है कि अपने इस जो कैथोड है अपने पास, कैथोड के साथ क्या डाल देते हैं, MnO2। इसीलिए इसमें क्या डाला होता है, MnO2। तो इसमें क्या करते हैं, MnO2 डाल दिया तो ये क्या है, इसमें रिएक्शन नहीं करने देता है। तो इसमें क्या है, MnO2 डाल दिया। तो एक तो हो गया स्थानीय दोष, एक इसमें आता है कि ध्रुवा छेदन। ध्रुवा छेदन, तो ध्रुवा छेदन क्या होता है कि एनोड जो अपना है टर्मिनल, एनोड पे क्या होता है कि हाइड्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। हाइड्रोजन के क्या होते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। उस बुलबुलों से क्या होता है कि जो अपना एनोड है वो एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है, एक अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो इससे को दूर करने के लिए भी क्या करते हैं अपने, MnO2 मिलाते हैं। क्या करते हैं, MnO2। इसके लिए क्या करते हैं, MnO2 मिलाएंगे। और इसके लिए क्या करेंगे कि पारे की परत चढ़ाते हैं, पारे की परत। लोकल एक्शन, छोटे छोटे खड्डे बढ़ जाते हैं कैथोड पे, जिन पे छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, उन सेलों से इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और वोल्टेज घट जाती है। तो वोल्टेज घट जाती है तो ये क्या अपने लिए नुकसान है। इस नुकसान को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस पे पारे की परत चढ़ा देते हैं अपने। तो पारे की, इस दोष को दूर करने के लिए पारे की परत चढ़ा देते हैं। सेम अब दूसरा दोष है कि ध्रुवा छेदन, मतलब कि जो अपना एनोड है उस पे क्या है, हवा के या हाइड्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। उस हाइड्रोजन के बुलबुले अगर इस एनोड के चारों तरफ जमा हो जाएंगे तो जमा होने से क्या है, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो एक अचालक की तरह व्यवहार करेगा, एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। तो इसलिए अपने क्या है, MnO2 उसमें मिलाते हैं, ताकि क्या होता है कि MnO2 उस हाइड्रोजन के बुलबुलों से रिएक्शन करता है और उन हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं उनको क्या करता है कि H2O में बदल देता है। इसमें बदल देता है H2O में। और आपको पता है H2O क्या होता है, जल होता है। अब जब हाइड्रोजन के बुलबुले जल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कन्वर्ट होने के बाद वो क्या है, जब जल में कन्वर्ट हो गए तो जल क्या करता है, इस विलयन में दोबारा मिल जाता है। तो यही प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू। तो ये तो था आज का अपना लैक्लांसी सेल। तो नेक्स्ट क्लास में अपने क्या है कि और भी सेल के बारे में पढ़ेंगे, जितने अपने सेल रह गए वो सारा सिलेबस अपना कवर करेंगे। तो आज के लिए, आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू।